प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के 20 एग्जांपल्स तक देखा था। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे 21 नंबर का एग्जांपल। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 cos क्यूब माइनस 3 cos, ये इस प्रकार का एग्जांपल है। हम लोगों ने ये फार्मूला देखा है cos ऑफ 3 थीटा वाला फार्मूला, दैट इज द 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये इस प्रकार फार्मूला देखा है। अब देखो अगर ये फार्मूला इस प्रकार है 4 cos क्यूब थीटा, ये फार्मूला अगर रिवर्स ऑर्डर से देखेंगे तो ये इस प्रकार लग रहा है। देखो यार 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, यह थीटा है तो थीटा का 3 टाइम्स थीटा लिया है, सो समझ लो हमारा तो ये 2x लग रहा है तो इसका 3 टाइम्स लेना है, तो ये फार्मूला बनेगा, मतलब ये इस प्रकार आ जाएगा 4 cos cube 2x माइनस 3 cos of 2x, तो इसका मिलेगा हमें cos of 2x का 3 टाइम्स, तो ये 2x का 3 टाइम्स आ जाएगा 6x। तो हियर ये i equals to integration of 1 by, ये पूरे के लिए फार्मूला बना cos 6x, यर cos of 6x देख ले। अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है, सो 1 by cos दैट इज होता है sec of 6x, because of cos and sec ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हमें लेना है sec का इंटीग्रेशन, ऑल ऑफ नो इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ये फार्मूला हम लोगों ने देखा है, सिंपल सा फार्मूला है, ये आता है log of sec x plus tan x plus, ये इस प्रकार का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है। सो यह सिंपल, ये sec का आ जाएगा इंटीग्रेशन log of inward sec of 6x plus tan of 6x, ये इस प्रकार प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, बट हियर x का कोएफिशिएंट 6 है ना, हियर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय, हमें लेना है x का कोएफिशिएंट दैट इज 6, तो ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज 1 बाय 6 इनटू log of 6x plus tan 6x plus। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 22, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब देख लेते हैं पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। हम लोगों ने सिंपल सा फार्मूला देखा है a minus b होल स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इनटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। हियर फर्स्ट टर्म हमें स्क्वायर करना है, सो ये देखो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जैसे कि ये फार्मूला हम यहां अप्लाई कर रहे हैं, सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x / 2 माइनस हियर 2 इनटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सो हियर 2 इनटू फर्स्ट टर्म दैट इज द cos x / 2 इनटू सेकंड टर्म मींस sin ऑफ x / 2 प्लस, जैसे कि हियर सेकंड टर्म का स्क्वायर किया है यह प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये हुआ हमारा पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन देना है। अब अगर देखा जाए ना हियर ये लग रहा है कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, वी नो द फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस ये वाला 2 इंटू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, इस प्रकार लग रहा है दैट इज द हाफ एंगल फार्मूला 2 इनटू sin x / 2 इनटू cos ऑफ x / 2, तो ये फार्मूला है sin x के लिए, जैसे कि हियर 2 sin x / 2 इनटू cos x / 2, तो यहां आ जाएगा sin x, और ये पूरे टर्म का हमें लेना है इंटीग्रेशन। अब देख लेते हैं मतलब 1 का भी सेपरेट इंटीग्रेशन आ जाएगा आफ्टर दैट माइनस इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x का sin x dx। अब हियर देखो 1 का इंटीग्रेशन, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है सो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x माइनस, जैसे cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है सो sin का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस cos x, पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ऐड करना है। अब हियर i इज इक्वल्स टू नाउ दिस x एज इट इज, हियर x माइनस माइनस प्लस होगा, हियर प्लस cos x प्लस फाइनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 23, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर होल ब्रैकेट क्यूब मल्टीप्लाई, इस प्रकार। अब देख लेते हैं हियर 1 बाय x स्क्वायर को एज इट इज रखा, यह ब्रैकेट का क्यूब करना है, सो वी नो द फार्मूला फॉर a plus b होल क्यूब, ये फार्मूला हम लोगों ने देखा है, ये इस प्रकार है फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म स्क्वायर इनटू सेकंड टर्म प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्यूब, ये इस प्रकार का फॉर्मूला है। यार अप्लाई करके देख लेते हैं, नाउ दिस फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस, जैसे ये
इधर फर्स्ट टर्म क्यू प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म स्क्वायर दैट इज द 2x स्क्वायर इनटू सेकंड टर्म, या सेकंड टर्म हमारा 1 है, या 1 प्लस 3 इनटू फर्स्ट टर्म मींस फर्स्ट टर्म है हमारा 2x इनटू सेकंड टर्म दैट इज द 1 प्लस सेकंड टर्म क्यू मींस 1 क्यू, ये हियर 1 क्यू, ये हम लोगों ने पूरा फार्मूला अप्लाई किया। अब देख लेते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर इन ब्रैकेट 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब दैट इज द x क्यूब प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, नाउ दिस 4 इनटू 3x तो ये आएगा 12 इनटू x का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं, हियर 2 का स्क्वायर 4 वो 4 और ये 3 4 3 का 12 और हियर x स्क्वायर इनटू 1 वो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस हियर 3 2 का 6x 6x मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज द 6x प्लस ये 1 क्यूब दैट इज द 1, ये इसका। अब अगर आपको ये पूरे एग्जांपल का सॉल्यूशन लिखना है तो अगर आपको लग रहा है ये ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप फास्ट करके ये इसको लिख सकते हैं। नाउ हियर ये x स्क्वायर दिखाई दे रहा है 1 बाय x स्क्वायर मतलब पूरे टर्म के लिए डिवाइड बाय x स्क्वायर, सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 8x क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ये मैंने पूरे टर्म के लिए x स्क्वायर डिवाइड कर दिया। अब हमें ये हर एक का इंटीग्रेशन लेना है। अब देख लेते हैं, हियर नाउ दिस x स्क्वायर इसमें से x स्क्वायर कैंसिल होगा सो बचेगा 8, हियर सिंगल ऊपर बचेगा x प्लस, जैसे यार x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो न्यूमरेटर में x बचा है, नाउ दिस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ओनली 12 बचेगा प्लस हियर ये वाला x इसमें से एक x कैंसिल होगा तो बचेगा 6 बाय x प्लस आगे है 1 बाय x स्क्वायर, ये पूरे टर्म का हमें इंटीग्रेशन लेना है हियर ये इस प्रकार। अब देखो नाउ 8 इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा x का dx के लिए प्लस 12 इज कांस्टेंट सो हियर बचा ओनली 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस नाउ 6 इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 बाय x का प्लस ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 बाय x स्क्वायर का, जैसे कि हम लोग पूरे टर्म का इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरे टर्म के लिए मतलब हर एक का इंटीग्रेशन ले रहे हैं। अब हियर 8 का एज इट इज होगा वी नो x का इंटीग्रेशन, हियर x का पावर 1 है सो पावर x इंक्रीज होगा दैट इज x स्क्वायर बाय 2 ये इस प्रकार प्लस 12 इज अ कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन आएगा x बिकॉज़ ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस नाउ दिस 6 आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1 बाय x स्क्वायर सो 1 बाय x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। आप प्रकार आपको पता है d बाय dx ऑफ 1 बाय x, 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय x स्क्वायर सो नाउ 1 बाय x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन लिया जाए तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय x ये इस प्रकार। तो हियर 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस सी मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हियर थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो, ये जो 2 दिखाई दे रहा है ना हियर ये 2 1 का 2 4 का दैट इज ये इस प्रकार फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 * log x माइनस 1 बाय x स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24 हियर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x * cos x * 4x dx ये इस प्रकार। अब देखो हियर sin फंक्शन है मल्टीप्लाई बाय cos x * 4 है, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। नाउ ये एग्जांपल डिपेंड्स ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हमें ऐसा फंक्शन चेक करना है जिसका डेरिवेटिव यहां आता है। अब अगर देखा जाए तो sin का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है, लेकिन अगर हम लोगों ने साइन पुट किया तो इसका cos dx हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो हम पुट करेंगे cos x की वैल्यू। देखो हियर cos x की वैल्यू समझ लो सिंपल सी t वैल्यू कंसीडर किया। अब हमें पता है cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस sin x और हियर t का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dt by dx। अगर देखा जाए तो हियर sin x dx लग रहा है मतलब ये sin x dx ये देखो हियर sin x into ये dx
विच इज इक्वल टू, ये माइनस साइड राइट साइड पे शिफ्ट कर दो माइनस डी टी, मतलब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं माइनस डी टी। ये देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस डी टी, हियर कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू तो टी है, नाउ दिस टी, लेकिन हियर कॉस का पावर फोर है, जैसे आपने कॉस की वैल्यू टी पुट किया लेकिन पावर फोर है तो यहाँ पावर फोर आ जाएगा। अब देखो ये माइनस साइन को बाहर लेना तो इंटीग्रेशन आ जाएगा टी रेस टू फोर विद रिस्पेक्ट टू टी के लिए। अब देखो हियर बायोजिंग पावर फंक्शन, हियर ये पावर दिखाई दे रहा है, सो माइनस साइन का एज इट इज बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू फोर तो ये पावर एक से इंक्रीज कर दो, दैट इज अ टी रेस टू फाइव ऑफ वन फाइव प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। वी नो बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब टी की वैल्यू क्या है cos x, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं टी की वैल्यू cos x, लेकिन पावर 5 है सो दैट इज अ cos x टू 5x डिवाइड बाय 5 प्लस, ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन दैट इज द वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू log ऑफ sec x प्लस tan x। अब देखा जाए तो हियर sec x मल्टीप्लाई बाय ये लॉगरिथमिक फंक्शन दिखा। अब हमें ये एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब लेंथ ही ज्यादा लग रहा है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं बायोजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये log of sec x plus tan x पुट कर देते हैं, हियर पुट log of sec x plus tan x विच इज इक्वल्स टू t, ये इसकी वैल्यू हमें t पुट कर दिया। अब देखो ये x वेरिएबल लग रहा है, मतलब ये इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हियर डिफरेंशिएटिंग With respect to x, तो ये log का derivative आप सबको पता है, log x का derivative आता है 1 by, मतलब ये log का आ जाएगा 1 by sec x plus tan x into, फिर से हमें derivative लेना है, जैसे ये log का derivative हुआ 1 by sec x plus tan x into, फिर से derivative लेना है sec x plus tan x का, all of know the derivative of sec x, तो sec x का derivative होता है sec x into tan x plus, और tan x का derivative होता है sec x plus x, ये इस प्रकार विच इज इक्वल्स टू, ये t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिए आ जाएगा dt by dx। अब देखो ये दोनों जो दिखाई दे रहा है, मतलब प्लस के पहले और प्लस के बाद में, या ये दोनों में से sec x कॉमन ले सकते हैं, तो इस प्रकार मिलेगा या sec x इज कॉमन, सो ये देखो ये मैंने sec x कॉमन लिया, ये ब्रैकेट में बचेगा tan x प्लस, ये sec x कॉमन लिया तो सिंगल sec x बचेगा डिवाइड बाय ये sec x प्लस tan x which is equals to dt by dx। अब अगर देखा जाए अच्छे से ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो sec x plus tan x या sec x plus tan x, मतलब ये दोनों क्या हुआ कैंसिल, सो ओनली बचा sec x, हमारे लिए ये sec x फंक्शन दिखा दे रहा है, ये देखो sec x, और ये साथ में dx भी लग रहा है, मतलब ये sec x into dx हम ऐसे लिख सकते हैं sec x into dx, ये dx यहां बैठ दो तो इसकी वैल्यू हो गई dt, मतलब या sec x dx की वैल्यू हो गई dt, सो ये आ जाएगा i equals to by substitution sec x dx की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया dt, या इंटीग्रेशन ऑफ ये log of sec x plus tan x, मतलब t पुट किया है सो by substitution log sec x plus tan x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया t, ये हो। अब मुझे सिंपल एग्जांपल से मिल गया, नाउ ये एग्जांपल का सिंपल फॉर्म बना, अब ये t का इंटीग्रेशन लेना है, आप लोगों को पता है t का पावर 1 लग रहा है, सो हियर हो जाएगा t स्क्वायर, मतलब पावर 1 से बड़ा है, जो भी इंक्रीमेंटेड पावर है वो नीचे लेना है, पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस ये ऐड करना विच इज इक्वल टू, अब आपको पता है ये 1 बाय 2, ये हुआ 1 बाय 2, पर t मींस t की वैल्यू log ऑफ sec x plus tan x, ये देखो मैंने बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया log of sec x plus tan x, लेकिन हियर हमें t का स्क्वायर लग रहा है, t की वैल्यू तो पुट कर दिया, t का स्क्वायर मतलब ये होगा स्क्वायर प्लस ये हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट, ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 26 i equals to integration of cot root x upon 2 root x dx, अब इसका इंटीग्रेशन लेना है, नाउ पिछले वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा वो एग्जांपल डिपेंड्स ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके ऊपर डिपेंड था, अब यहाँ भी चेक कर लो ये एग्जांपल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, जैसे कि डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आता है 1 बाय 2 रूट एक्स, मतलब हम लोगों ने ये देखा, तो ये देखो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स लग रहा है,
सो जिसका डेरिवेटिव यहाँ लग रहा है वही पुट कर दो, सो दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस पुटिंग मेथड. सो पुट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी, ये सिंपल सा वेरिएबल मैंने टी कंसीडर किया. अब देखो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं रूट एक्स को, सो हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स, और टी का डेरिवेटिव होता है डी टी बाय डी एक्स. तो ये डी एक्स लेफ्ट साइड पे भेज दिया, मतलब ये देखो 1 बाय 2 रूट एक्स डी एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ये 1 बाय 2 रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू हम डायरेक्टली डी टी ले सकते हैं, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. नाउ आई इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 बाय 2 रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू तो हो गई डी टी. नाउ हियर ये लग रहा है कॉट फंक्शन कॉट ऑफ, और रूट एक्स की वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है डी, सो ये हुआ कॉट टी. अब सिंपल सा कॉट टी का इंटीग्रेशन लेना है. अब हियर आप सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ अगर कॉट एक्स लिया जाए तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए तो ये आता है लॉग ऑफ इन मॉड साइन एक्स प्लस सी, ये होता है जैसे हियर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए. अब हियर विद रिस्पेक्ट टू टी के लिए है सो कॉट का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ इन मॉड साइन ऑफ टी प्लस. नाउ बाय द बैक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इस प्रकार का ऑप्शन हम अगर मल्टीपल चॉइस में देखेंगे तो हमें ये इस प्रकार सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, सो बैक सब्स्टिट्यूट कर लो, वी नो द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू है रूट एक्स, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ इन मॉड रूट ऑफ सॉरी साइन ऑफ टी की वैल्यू रूट एक्स प्लस सी, ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन दैट इज द इंटीग्रेशन. नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर 27 I is equals to integration of e raised to x divided by root dx. अब देख लेते हैं यार ये ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अब बहुत सिंपल है. अब यहाँ फंक्शन चेक कर लो, वी नो e raised to x का डेरिवेटिव होता है e raised to x, सो पुट कर लेते हैं e raised to x. सो हियर पुट e raised to x इज इक्वल्स टू सिंपल से वेरिएबल पुट किया, आपको पता है e raised to x का ये इसका डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू x के, तो e raised to x का e raised to x आता है और ये t का डेरिवेटिव आता है dt by dx. नाउ दिस dx को हम लोग यहां शिफ्ट कर देते हैं तो यहां dx आ जाएगा. अब ये देखो ये e raised to x लग रहा है dx लग रहा है, मतलब e raised to x dx इसकी वैल्यू हो जाएगी dt, सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx की वैल्यू हो गई dt. नाउ दिस 1 अपॉन या इन रूट e raised to 2x. अब e raised to 2x का मतलब है ये जो दिखाई दे रहा है e raised to 2x हियर e raised to 2x मतलब e raised to x का स्क्वायर. अब हमारे पास e raised to x की वैल्यू है, e raised to x की वैल्यू है t, सो हियर t पुट कर दिया लेकिन ये स्क्वायर की वजह से ये 2 आ जाएगा प्लस 4 into e raised to x की वैल्यू है t प्लस आगे है 30 ये इस पर. अब देखो नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय इन रूट हियर टी स्क्वायर प्लस 4t. अब हम ये जो 13 दिखाई दे रहा है तो नाउ 13 को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, तो इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो नाउ 4 प्लस 9 दैट इज द 13 आ जाएगा, लेकिन हमें यह थर्ड टर्म फाइंड करना है, सो हमारे पास थर्ड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी, यह कोएफिशिएंट ऑफ टी है 4, सो हियर ये वाला 4 मैंने अप्लाई कर दिया होल स्क्वायर, हियर ये 2 1 का 2 2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, सो हमें थर्ड टर्म अप्लाई करना है 4, सो ये हुआ प्लस 4. नाउ दिस प्लस 4 लेने के बाद माइनस 4 भी ले लो मतलब बैलेंस हो जाएगा, ये प्लस 4 माइनस 4 एडजस्ट किया और ये ऑलरेडी प्लस 30 है, ये इस प्रकार फिर से बोल रहा हूँ ये t square plus 4t मैंने as it is ले लिया, ये देखो t square plus 4t. now here third term find out करना है, so ये third term देखो tt that is a third term which is equal to half into coefficient of variable. now here coefficient of variable है 4 whole square, ये 2 का square 4 मतलब मैंने 4 adjust करना है, ये देखो मैंने 4 adjust किया plus 4 ले लिया minus 4 ले लिया. अब देखो यार इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ये रूट ऑफ, अब अगर यहाँ तक देखा जाए मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये किसी का सिंप्लीफिकेशन लग रहा है. नाउ फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर दैट इज ये 2 का स्क्वायर है, सो ये आ जाएगा t प्लस 2
होल स्क्वायर इसका सिंपलीफिकेशन देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दैट इज 40 प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर 4 और ये 13 माइनस 4 दैट इज 9 आ जाएगा हियर प्लस 9 ये इस प्रकार होगा। अब आगे देख लेते हैं नाउ दिस I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अब देखो ये t प्लस 1 बाय रूट ऑफ t प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 स्क्वायर नाउ लाइक दैट ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है सो फॉर्मूला इस प्रकार है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय इन रूट वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर तो ये फॉर्मूला बोल देता है लॉग ऑफ इन मोड वेरिएबल मतलब ये वाला वेरिएबल आज इट लेना है प्लस ये रूट को एज इट इज यहां लिखना है दैट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है तो वही फॉर्मूला यहां अप्लाई कर देते हैं तो इस प्रकार आ जाएगा लॉग ऑफ इन मोड वेरिएबल वेरिएबल मतलब ये हुआ हमारा वेरिएबल और ये हुआ हमारा कांस्टेंट सो वेरिएबल का मतलब t प्लस 2 ये हुआ वेरिएबल बीच में है प्लस मतलब हियर प्लस जो भी रूट है वो एज इट इज लेना है सो रूट है t प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो हमारा बैक सब्स्टिट्यूशन इस प्रकार आ जाएगा लॉग अगर इस प्रकार हमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है सो t की वैल्यू पुट कर दो सो t की वैल्यू इस प्रकार है नाउ t की वैल्यू है e रेस्ट टू x ये मैंने e रेस्ट टू x पुट कर दिया e रेस्ट टू x प्लस 2 ये प्लस इन टू हियर ये e रेस्ट टू x t की वैल्यू प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन चाहो तो आप ये यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर भी कर सकते हो ये इसका का फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए नेक्स्ट एग्जांपल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x / √1 + cos² dx अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना देखो ये एग्जांपल भी थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है लेकिन बहुत इजी है अगर हम इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे मतलब हमें ये ऐसे ऑप्शन ऐसा फंक्शन चेक आउट करना है जिसका डेरिवेटिव यहां लग रहा है अब देखो sin का डेरिवेटिव cos भी है और cos का डेरिवेटिव - sin भी है हम अगर cos को पुट करेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा मतलब हियर बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट cos x इज इक्वल्स टू t हियर cos x की वैल्यू t पुट कर दिया अब cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस हियर डेरिवेटिव ले रहा cos का डेरिवेटिव माइनस sin और हियर t का डेरिवेटिव होता है dt / dx अब देखो ये sin x dx दिखाई दे रहा है मतलब ये sin x dx सो ये देखो हियर sin x ये dx को लेफ्ट साइड में भेज दिया मैंने शिफ्ट कर दिया ये माइनस साइन राइट साइड में शिफ्ट कर दो दैट इज द माइनस dt मतलब sin x dx की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस dt अब देखो हियर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx की वैल्यू हो गई माइनस dt 1 by in root 1 plus cos x की वैल्यू हम लोगों ने t पुट किया है तो ये आ जाएगा t square अब ये वाला माइनस साइन बाहर आ जाएगा मतलब ये ऐसे आएगा माइनस इंटीग्रेशन लेना है 1 by root of 1 plus t square dt इसका हमें इंटीग्रेशन लेना है बहुत सिंपल है ये देखो I equals to अब इसका इंटीग्रेशन लेना है हम लोगों ने ये फार्मूला देखा है मतलब कौन सा वाला फार्मूला हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by root में ये इस प्रकार है a square plus x square dx तो ये फार्मूला बोल देता है log of in mod variable ये variable मतलब with respect to x तो variable x है x plus root को as it is लेना है that is a square plus x square plus arbitrary constants so simple here ये minus sign तो as it is आ जाएगा हमें इसका integration लेना है so 1 by 1 plus t square हमारा वेरिएबल है t तो इसका आ जाएगा log of in mod variable that is a t plus root as it is there that is a 1 plus t square plus c ये इस प्रकार अब देखो by using back substitution minus log of t की वैल्यू हमारे पास है t मतलब cos x ये t मैंने पुट कर दिया t की वैल्यू cos x plus in root 1 plus t means cos x तो ये आ जाएगा cos square x plus ये हुआ हमारा final solution next example I equals to integration of ये वाला example है इसका हमें integration लेना है
अब अभी अभी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब ऐसे फंक्शन चेक करना है जिसका डेरिवेटिव ये है, ये log x है, log x का डेरिवेटिव आता है 1 by x, मतलब हम log x को पुट कर सकते हैं सिंपल, पुट log x इज इक्वल टू t, तो log x का डेरिवेटिव आता है 1 by x और t का डेरिवेटिव जिस पे x होगा dt by dx, मतलब ये dx को यहां भेज दे। अब देखो ये जो दिखाई दे रहा है 1 by x, ये जो दिखाई दे रहा है 1 by x और dx, इसका हम dt पुट कर सकते हैं, ये देखो by the substitution method dt मैंने पुट कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन लेना है, नाउ ये वाला sec square log x की वैल्यू है t, सो sec square t, अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है sec square t। अब आप सबको पता है जैसे tan का डेरिवेटिव sec square आता है, तो sec square का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan of और ये t plus arbitrary constant होता है c, वी नो ये tan of t की वैल्यू तो आपको पता है, t की वैल्यू बाय से बैक सब्स्टिट्यूशन t की वैल्यू है log x, सो हियर tan of log x plus c, ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x अपॉन x प्लस cos स्क्वायर dx। अब सिंपल हम लोगों को ये एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम लोग एक काम कर रहे थे, ये जो है इसको फंक्शन कंसीडर कर रहे थे, मतलब ये x प्लस cos स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे कि हियर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस cos स्क्वायर क्या आता है फाइनल चेक कर लेते हैं, हियर x का डेरिवेटिव आता है 1, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x के लिए, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में हम लोगों ने देखा है x स्क्वायर हुआ तो पावर को सामने लेना है, पावर x से कम करना है, दैट इज ये इस प्रकार, सो हियर cos स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा प्लस 2 cos x अगेन मल्टीप्लाई बाय ये पावर का हुआ और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, सो ये इस प्रकार। अब देखा जाए तो ये 1 है, नाउ वी नो द फार्मूला फॉर, ये प्लस माइनस माइनस होगा, वी नो फार्मूला फॉर 2 sin into cos x, तो ये फार्मूला है sin 2x के लिए, मतलब ये फंक्शन हुआ और ये 1 माइनस साइन टू एक्स, मतलब हमें न्यूमरेटर मिल रहा है, दैट इज ये न्यूमरेटर, सो नीचे फंक्शन हुआ ऊपर डेरिवेटिव, सो बाय यूजिंग फार्मूला फॉर, ये इस प्रकार का फार्मूला है, सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ये इस प्रकार, तो ये फार्मूला बोल देता है दैट इज सम स्पेशल इंटीग्रल, ये फार्मूला बोल देता है लॉग ऑफ फंक्शन देना है, मतलब लॉग ऑफ हियर फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस, अब देखो नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, दैट इज द लॉग ऑफ फंक्शन प्लस, सो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सो हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब लॉग ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन है हमारा एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हुआ फाइनल सॉल्यूशन। हम सब इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स देखने वाले हैं, लेकिन एग्जांपल बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, सो व्हिच इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x + c, मतलब नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो डायरेक्टली लेना है log ऑफ फंक्शन + c, इस तरह मतलब हम ये शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, सो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए और मेथड का यूज कर सकते हैं। देखो जैसे हियर हम लोगों ने अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया यह d by dx of यहाँ e raise to x plus e raise to minus x कुछ ही दिक्कत है। अब देखो e raise to x का derivative आता है e raise to x plus e raise to minus x का derivative आता है e raise to minus x and फिर से minus x का derivative आ जाएगा minus, तो ये मिलेगा e raise to x plus minus minus होगा e raise to minus, मतलब नीचे function है ऊपर उसका derivative, हम लोग इसका derivative ले रहे हैं तो ये मिल रहा है, सो लाइक एज फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सो लॉग ऑफ हमें फंक्शन देना है, सो लॉग ऑफ फंक्शन मतलब ये एग्जांपल का सॉल्यूशन आ जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन दैट इज e रेस्ट टू x प्लस e रेस्ट टू माइनस x प्लस, ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला एग्जांपल हियर i इज इक्वल टू लॉग ऑफ log x अपॉन x इनटू log x, अब देखो हियर लॉग ऑफ log x अगर हम लोग हियर लॉग ऑफ log x का अगर डेरिवेटिव ले लिया जाए, मतलब ये पुट log of log x इज इक्वल टू सिंपल सेट, सो पहले वाला log का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 by log x into सेकंड log का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 by x, मतलब ये यस फिर से बोल रहा हूं पहले वाला log का डेरिवेटिव 1 by ये वैल्यू log x into फिर से log का डेरिवेटिव 1 by x व्हिच इज इक्वल टू dt by dx, तो ये जो dx है ये dx हम यहां लिख सकते हैं, मतलब ये सो ये देखो हमें ये टर्म मिल रहा है 1 by x log x
वन बाय एक्स लॉग एक्स, हियर हमारा डी एक्स है क्योंकि इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, ये डी एक्स, इसके वैल्यू हम पुट कर सकते हैं डी टी, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये मेरा डी टी और लॉग ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू हमारे पास टी, तो ये हुआ टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन देना है, सिंपल सा लॉजिक है, टी का इंटीग्रेशन हियर पावर बढ़ाना है, मतलब टी का पावर वन है तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाय टू प्लस फाइनली आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा, दैट इज ये वन बाय टू और हमारे पास टी की वैल्यू टी मतलब लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय टू प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला फॉर्म है हमारा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस dx प्लस c dx, सेकंड वाला फॉर्म है 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx और नेक्स्ट वाला है इंटीग्रेशन ऑफ इन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर ये इस प्रकार वाला फॉर्म हुआ तो कैसे इंटीग्रेट करना है ये हम देखेंगे। नाउ हियर हमारा एग्जांपल नंबर 33 है, इस प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 dx, मतलब लाइक एज इन दिस वे ये इस प्रकार लग रहा है। अब देख लेते हैं ये फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, सो सिंपल हियर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ये हुआ x स्क्वायर प्लस 4x, इसको सिंपल सा ये जो 13 दिखाया जा रहा है इसको स्प्लिट कर सकते हैं या तो फिर थर्ड टर्म एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब हमें 4 एडजस्ट करना, ये हुआ प्लस 4 माइनस 4 और ये ऑलरेडी आपका प्लस 13, ये देखो हियर प्लस 13 ये इस प्रकार। अब अगर हम देखेंगे इस यहाँ पर, सो नाउ दिस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसको हम इस प्रकार लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय हियर ये वाला फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लो x, हियर ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, नाउ दिस प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखो इसका सिंपलीफाई करते हैं, सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दैट इज ये मिलेगा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर मींस 4 मिलेगा। नाउ हियर 13 माइनस 4 दैट इज अ प्लस 9 हियर dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको और इजीली ऐसे लिख सकते हो ना 1 बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 स्क्वायर dx। अब हमारे पास ये भी फॉर्म हम लोगों ने देखा है, ये फार्मूला देखा है। नाउ फार्मूला इस प्रकार है, हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx ये होगा या फिर 1 बाय a स्क्वायर पहले आएगा बाद में x स्क्वायर, तो ये फॉर्म बोल देता है 1 बाय a मतलब 1 अपॉन कांस्टेंट tan inverse of variable that is x upon constant plus c इस प्रकार। सो ये इसके लिए हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा 1 by constant, constant मतलब 3 है या 3 into tan inverse of variable like that is the x plus 2 या x plus 2 divided by constant that is the 3 plus arbitrary constant c, ये हुआ हमारा final solution। इस नेक्स्ट वाला एग्जांपल I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ऑफ 2x माइनस x। नाउ ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है ये वाले फॉर्म जैसे लग रहा है, ये सेकंड वाला फॉर्म, इसके ऊपर हमारा एग्जांपल अभी अभी देखा हम लोगों ने। अब ये वाला फॉर्म देखो, रूट में नीचे हियर 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये जो फॉर्म है इस प्रकार ये लग रहा है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय इन रूट हियर माइनस साइन थोड़ा सा बाहर लेते हैं, सो माइनस साइन कॉमन लेने से ये मिलेगा x स्क्वायर और ये प्लस का हो जाएगा माइनस 2x, ये इस प्रकार ये हुआ हमारे एडजस्टमेंट प्रोसेस। अब देखो आगे थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेंगे, सो नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय इन रूट हियर ये माइनस साइन जो दिखाई दे रहा है हियर x स्क्वायर माइनस 2x। अब हमें एडजस्ट करना है थर्ड टर्म, अभी अभी हम लोगों ने थर्ड टर्म वाला फार्मूला देखा, TT वाला फार्मूला हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब देखो हियर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या दिखा दे रहा है माइनस टू, सो हियर माइनस टू होल स्क्वायर, अब टू टू कैंसिल हो जाएगा ओनली बचेगा माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर करना है, सो माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वन, सो हमें हियर लास्ट करना है हियर प्लस वन एडजस्ट करना है। ये देखो मैंने प्लस वन ले लिया लेकिन हमारा मीनिंग क्या हुआ देखो, जैसे कि हियर ये माइनस एक्स स्क्वायर ये लग रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ दिस माइनस माइनस
प्लस टू एक्स, ये लग रहा है प्लस टू एक्स, लेकिन हियर माइनस वन, ये साइन अपने करने से माइनस वन, मतलब माइनस वन हो रहा है, तो हमें हियर प्लस वन एडजस्ट करना है। ये हुआ हमारे एडजस्टमेंट प्रोसेस। नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय इन रूट, ये देखो अब पॉजिटिव वाला पहले निकला था, पॉजिटिव मतलब वन टर्म इज अ पॉजिटिव, सो ये वन माइनस यार ये नेगेटिव वाली टर्म, दैट इज ये वाली टर्म x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये लिखा मैंने x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये वाली टर्म है। अब फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ये हमारा एग्जांपल था वन बाय रूट ऑफ टू एक्स माइनस एक्स, मैंने कुछ नहीं यार रूट में माइनस साइन बाहर लिया, सो रूट में माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स हुआ। अब देखो नाउ ये जो लग रहा है जल्दी से पॉलीनोमियल लाइक लग रहा है, सो इसका थर्ड टर्म एब्सेंट है, थर्ड टर्म फाइंड करने का फार्मूला हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट इज द माइनस टू होल स्क्वायर, या टू टू कैंसिल माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, मतलब हमें प्लस वन एडजस्ट करना है, ये देखो मैंने प्लस वन कर दिया, लेकिन मीनिंग ये हुआ कि ये माइनस साइन अप्लाई किया तो माइनस वन एडजस्ट किया, सो मतलब हमें आगे लेना है प्लस वन, ये देखो मैंने प्लस वन लिया, माइनस वन प्लस वन एडजस्ट हुआ। अब ये पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिखा, बाद में ये नेगेटिव वाली टर्म लिखा, अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस वन बाय इन रूट, ये इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वन माइनस ये किसका सिंप्लीफिकेशन है, सो सिंपल सा ये एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इसका सिंप्लीफिकेशन ये आता है, देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। अब ये लग रहा है जैसे कि फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, इस टाइप का फॉर्मूला देखा है, देखो हियर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय इन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये मतलब वन इज अ कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो ये आता है इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, बिकॉज ऑफ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। अब देखो हियर हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, सो आई इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन, ये हुआ कॉन्स्टेंट, ये क्या हुआ कॉन्स्टेंट, और ये हुआ वेरिएबल, सो हमें लेना है साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल, सो हियर साइन इनवर्स ऑफ वेरिएबल है एक्स माइनस वन और प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, ये है फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन डीएक्स। अब हमारा ये जो लग रहा है ना इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म लाइक एज, ये थर्ड नंबर का जो फॉर्म दिखाई दे रहा है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डीएक्स प्लस सी, इसके जैसे ये लग रहा है। अब देखो नाउ ये जो है इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, सिंपल यार इन रूट ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, अब अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर थर्ड टर्म नहीं, मतलब हमें प्रॉपर थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, सो सेम जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में सॉल्व किया था, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या है माइनस एट, हियर माइनस एट होल स्क्वायर, अब ये अगर सॉल्व करके टू फोर का माइनस फोर का स्क्वायर आ जाएगा सिक्सटीन, मतलब हमें सिक्सटीन एडजस्ट करना है, ये देखो हियर मैंने प्लस सिक्सटीन ले लिया, अब जैसे प्लस सिक्सटीन लिया तो माइनस सिक्सटीन ले लो, ये बैलेंस हुआ प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन, और ऑलरेडी आपके एग्जांपल में गिवन था प्लस सेवन, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो ये जो है लाइक एज ये वाले फॉर्म जैसे लग रहा है, अब देखो ये वाले फॉर्म जैसा है तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स मैंने लिया, लेकिन मेरा प्लस सेवन की प्रॉपर थर्ड टर्म नहीं है, तो प्रॉपर थर्ड टर्म मुझे फाइंड करना है, तो प्रॉपर थर्ड टर्म मैंने ये यहाँ पे फाइंड किया, प्रॉपर थर्ड टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल माइनस एट इज अ वेरिएबल टू फोर का या माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सो मतलब मुझे प्लस सिक्सटीन चाहिए, अब प्लस सिक्सटीन तो मैंने ये यहाँ ऐड कर दिया, सो प्लस सिक्सटीन दिया तो माइनस सिक्सटीन मिलेगा, मतलब बैलेंस हो रहा है, दैट इज द एडजस्टमेंट, और ये हमारा गिवन से। अब देखो इसको अगर यहाँ तक कंसिडर किया जाए तो मतलब ये ऐसा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ इन रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन, मतलब किसका स्क्वायर लग रहा है तो ये यहाँ से x ले लो सिंपल, ये माइनस है मतलब मिडिल टर्म का माइनस साइन कॉपी करो, ये माइनस है और 16 किसका स्क्वायर है 4, ये होल स्क्वायर, अब देखो x माइनस 4 होल स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा माइनस 16 प्लस 7, अब देखो माइनस 16 प्लस 7 हम लोग करेंगे तो हमारा आने वाला है माइनस 9, ये हुआ माइनस 9 इस तरह। अब देखो नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर माइनस नाइन मतलब थ्री स्क्वायर डीएक्स, अब हमें ये इसका इंटीग्रेशन देना है, लेकिन हम लोगों ने ये इस प्रकार का फॉर्मूला देखा है, ये वाला फॉर्मूला जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर,
ये dx इस प्रकार होगा तो इसका इंटीग्रेशन आता है वेरिएबल बाय 2 अंडर रूट एज इट इज लेना है माइनस कांस्टेंट स्क्वायर बाय 2 log ऑफ वेरिएबल प्लस ये रूट लेना है प्लस ये इस प्रकार थोड़ा सा फार्मूला रखना है। देखिए मैथमेटिक्स में फार्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है और ये फार्मूले अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम हर एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। सो सिंपल वही फार्मूला यहां अप्लाई कर देते हैं। अब ये हुआ हमारा वेरिएबल, ये है वेरिएबल, ये हुआ कांस्टेंट। अब देखो वो फार्मूला अप्लाई करने मतलब वेरिएबल बाय 2 वेरिएबल x - 4 बाय 2 ये रूट ऑफ रूट क्या है ये रूट पे पूरा ही पूरा मतलब ऐसे आएगा x - 4 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस हियर कांस्टेंट स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर ये हुआ 3 स्क्वायर बाय 2 log ऑफ हियर इन ब्रैकेट वेरिएबल वेरिएबल है हमारा x - 4 ये हुआ प्लस रूट एज इट इज लेना। अब देखो ये वाला रूट एज इट इज लिया मतलब x - 4 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस पूरा इंटीग्रेशन लेने के बाद आर्बिटरी कांस्टेंट c ऐड करो। अब हमें इस टाइप का सॉल्यूशन अगर नहीं दिखाई दे रहा जैसे कि हम मल्टीपल चॉइस में ढूंढ रहे हैं चारों ऑप्शन आपके सामने होता है चारों में से आपको ऑप्शन ढूंढना है तब हमें क्या करना है इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं मतलब हमारा फाइनली ये इस प्रकार आ जाएगा i = अब देखो x - 4 हियर x - 4 / 2 इनटू ये जो रूट है रूट मतलब ये वाला रूट ये रूट अगर देखा जाए तो इसी का सिंप्लीफिकेशन है ये रूट मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन है और ये रूट मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन है जैसे फॉरवर्ड होता है उस प्रकार बैकवर्ड तो मतलब ये रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x ये रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 आगे है माइनस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9 / 2 ये आ जाएगा 9 / 2 log of in bracket ये वाला variable that is the x minus 4 plus ये जो root है ये root का simplification मतलब ये root का simplification अभी अभी हम लोगों ने देखा ये root का simplification मतलब example है so here example को as it is copy कर दिया here x square minus 8x plus 7 ये पूरा हुआ और इसमें arbitrary constant c ये जो दिखाई दे रहा है ये मैं रेड बॉक्स में जो कर रहा हूँ ये जिसको जो बॉक्स किया है मैंने ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाले मेथड हम इंटीग्रेशन में देखेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब ये प्रोडक्ट रूल है फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन लेना है। सो बहुत सिंपल है फर्स्ट को एज इट इज रखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट डीएक्स। फिर से बोल रहा हूं हियर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन व्हिच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स। ये इस प्रकार हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई करना है। जैसे कि ये देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर 36 है i = इंटीग्रेशन ऑफ x * cos बहुत सिंपल हियर ये हुआ हमारा u मतलब फर्स्ट फंक्शन ये हुआ हमारा v मतलब सेकंड फंक्शन। अब हियर हमें फर्स्ट फंक्शन * सेकंड फंक्शन इस प्रकार का रूल अप्लाई करना है दैट इज बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल हियर फर्स्ट एज इट इज दैट इज x एज इट इज * इंटीग्रेशन सेकंड का लेना है मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हियर इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हियर d / dx ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज ये वाला x का डेरिवेटिव फर्स्ट का इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब इंटीग्रेशन लेना है cos x का ये इस प्रकार dx। अब देखते जाओ हियर x इनटू जैसे sin का डेरिवेटिव cos आता है तो cos का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x बहुत सिंपल बिकॉज़ ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट ये x का डेरिवेटिव होता है 1 ये 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos अभी हम लोगों ने लिया इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या है sin x उसी प्रकार ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x आ जाएगा sin x ये sin x dx। अब देखते जाओ नाउ दिस x इनटू sin x माइनस 1 इनटू sin x दैट इज द sin x सो हमें इंटीग्रेशन लेना है sin x का
विथ एक्स के लिए। अब देखो यार एक्स इंटू साइन एक्स ये तो एज इट इज आ जाएगा माइनस। अब जैसे कॉस का डेरिवेटिव आप सबको पता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस। ये देखो माइनस कॉस एक्स, और पूरा इंटीग्रेशन लेने के बाद आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सी ले लें। अब इसको थोड़ा आगे निकलते हैं ना, हियर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस होगा, ये कॉस एक्स प्लस सी, ये हुआ अपना फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये एक्स आया था जैसे वी नो 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर, ये इस प्रकार। अब देखो ये दो फंक्शन दिखा दे रहा है, ये हुआ फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ सेकंड फंक्शन, दैट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, यहां आप अप्लाई कर सकते हो। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल बोल रहा है फर्स्ट को एज इट इज रखना है, इनटू इंटीग्रेशन आ जाएगा सेकंड का, दैट इज द sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, हियर d बाय dx ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा इनटू इसके लिए मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा हियर dx। अब देखते जाओ ये x इनटू अब हियर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है, हम लोगों को पता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है tan x, बिकॉज़ ऑफ tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, उसी प्रकार sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x। अब यहां ले लेते हैं ये इस प्रकार समझ लो, ये हुआ tan x माइनस अब x का डेरिवेटिव, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर। अभी-अभी हम लोगों ने देखा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर अगर tan x है तो ये वाले भी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर आ जाएगा tan x, ये tan x ये आगे है dx। अब देखते जाओ नाउ दिस x इनटू tan x माइनस 1 इनटू tan x दैट इज अ tan x, ये tan x आ जाएगा। अब ये tan x का हमें इंटीग्रेशन लेना है, बहुत सिंपल है, जैसे हम लोगों ने ये इंटीग्रेशन दिया पिछले वाले फंक्शन का उसी प्रकार हमें इंटीग्रेशन लेना है tan x फंक्शन। अब हमें पता है tan x फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है माइनस log ऑफ cos x। अब ये देखो i इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा x इंटू tan x माइनस ये ऑलरेडी माइनस है और tan फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस log ऑफ इन मोड cos x, ये इस प्रकार पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद आर्बिटरी कॉन्स्टेंट c ऐड करो, मतलब फाइनली हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा x इंटू tan x माइनस माइनस प्लस यर log ऑफ इन मोड cos x प्लस c, ये इस प्रकार का फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा हमें। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, हियर एग्जांपल इस प्रकार दिया है इफ यंथ इंटीग्रेशन आईएल वो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e रे टू x dx, देन हमें फाइंड आउट करना है फिफ्थ इंटीग्रेशन i5 प्लस 5 इनटू i4, ये इस प्रकार इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देख लेते हैं अगर i5 प्लस 5 i4 चाहिए तो हियर हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं i5 प्लस 5 i4 व्हिच इज इक्वल्स। अब देखो i5 कैसे मिलेगा, अगर in हमारे पास है तो i5 मतलब 2n इज इक्वल्स टू 5, तो इस प्रकार मिलेगा x रेस टू 5 इनटू e रेस टू x, ये आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं i5 के लिए in अगर हमें गिवन ये इस प्रकार दिया है in in की वैल्यू अगर इस प्रकार है तो i5 मिलेगा, ये जहां n है वहां 5 पुट करना है मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 5 इनटू e रेस टू प्लस ये आ जाएगा प्लस 5 इनटू i रेस टू 4 चाहिए, जैसे ये in है तो i रेस टू 4 मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4 इनटू e रेस टू x dx, ये इस प्रकार। अब हमें इसका क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है दोनों का सेपरेट सेपरेट, बहुत सिंपल। ये देखो हियर ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है मतलब ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ, सो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड है, हमें पता है फर्स्ट का इंटीग्रेशन फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेस टू x का इंटीग्रेशन आता है e रेस टू x माइनस ये वाला रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। देखो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फर्स्ट का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है डेरिवेटिव लेते समय पावर सम लेना है पावर x से कम करना है दैट इज 5 x रेस टू 4 इनटू इंटीग्रेशन लेना है सेकंड का मतलब e रेस टू x का इंटीग्रेशन आ जाएगा e रेस टू x प्लस हियर ये जो दिया है प्लस 5 हियर इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4 e रेस टू x dx। अब इसको ऐसे ही रख लेते हैं हियर इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 4 e रेस टू x dx। अब देखो हियर ये वाला x रेस टू 5
into e raised to x. Now here ये minus 5, ये देखो 5 integration of x raised to 4 e raised to x dx plus now this 5 integration of x raised to 4 e raised to x dx. अब देखो ये जो दिखाई दे रहा है minus 5 times, मतलब ये minus और ये वाला plus, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद हम लोग ऐड करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज द सी. सो हियर x रेस्ट टू 5 इनटू e रेस्ट टू x प्लस c, ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन. नेक्स्ट वाला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 39, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx. अब देखो tan इनवर्स का x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं ये इस प्रकार d/dx tan इनवर्स x. तो ये डेरिवेटिव आता है 1 by 1 plus x है, लेकिन डायरेक्टली हम tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं दे सकते, तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं. ये देखो ये मैंने एडजस्टमेंट कर दिया tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय, समझ लो ये 1 कंसीडर किया tan इनवर्स x * 1. देखो tan इनवर्स x * 1 दैट इज द tan इनवर्स x, मतलब मैंने ये एडजस्टमेंट किया ये वाला स्टेप में, हियर एडजस्ट किया एडजस्ट 1 दैट इज 1 मल्टीप्लाई किया. ओके अब देखो हियर ये दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट फंक्शन, ये लग रहा है सेकंड फंक्शन, मतलब फर्स्ट इनटू सेकंड. सो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल वो बोल देता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल हमें बोल देता है दैट इज द प्रोडक्ट रूल. हियर सिंपल है फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज द सेकंड है हमारा 1 dx. ये इस प्रकार फिर से बोल रहा हूं फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. अब देखो हियर tan इनवर्स x ये तो एज इट इज होगा, अब हमें पता है 1 का इंटीग्रेशन, जैसे कि x का डेरिवेटिव 1 होता है सो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x माइनस ये डेरिवेटिव लेना है tan इनवर्स का, ये वाला इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1 / 1 + x का इनटू ये 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, ये हुआ और ये dx, मतलब हमारा यहां इंटीग्रेशन लेना बाकी. अब देखो आगे ये x into tan इनवर्स इस प्रकार लिखा तो भी चलेगा, x into tan इनवर्स माइनस ये x into 1 आ जाएगा x, ये x upon 1 plus x square, ये आगे है dx. अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है ये वाले टर्म का, क्योंकि इसका बाकी है ये ऑलरेडी हो चुका है. अब देखो ये x into tan इनवर्स ये तो सिंपल है, लेकिन ये वाला इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये तो लेफ्ट साइड में आए हैं, एक काम कंसीडर कर लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं. जैसे कि 1 है 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x आएगा, ये हियर x बन गया, मतलब पुट करके देख लेते हैं पुट 1 + x² = t. अब इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं सो 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 को लेने की जरूरत नहीं, x स्क्वायर का 2x और हियर t का आ जाएगा dt / dx. अब आगे देखो हियर ये i इक्वल्स टू ये बता x इनटू tan इनवर्स x. ओके अब हियर इसका इंटीग्रेशन दे रहा है, लेकिन हमें यह x dx मिल रहा है, x dx की वैल्यू मतलब ये dx अगर यहां भेज दिया जाए मतलब ये इस प्रकार हियर देयरफॉर x इनटू dx व्हिच इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये वाला dt और ये 2 राइट साइड में डिवाइड होगा सो dt / 2 हम यहां पुट कर सकते हैं माइनस ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 / हियर 1 / या 1 plus x square की वैल्यू तो हमने t लिया है और ये x into dx की वैल्यू आ जाएगी dt / 2. ये देखो ये हुआ dt / 2. अब हियर x into tan inverse x ये तो as it is होगा माइनस हियर 1 / 2 इज अ कांस्टेंट, अब लेना है हमें इंटीग्रेशन 1 / t का. जैसे log का डेरिवेटिव आता है 1 / 1 / का इंटीग्रेशन 1 / t का इंटीग्रेशन आ जाएगा log t, मतलब हियर log t और पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी या x into tan inverse x minus 1 / 2. अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर लो या t की वैल्यू पुट कर दो log of in mod, या t की वैल्यू हमारे पास है t की वैल्यू है 1 plus x square, तो यहां हम कंसीडर कर सकते हैं 1 plus x square plus
ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वाली मेथड है हमारी इंटीग्रेशन की। एग्जांपल बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू एक्स इन ब्रैकेट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डीएक्स व्हिच इज इक्वल टू, बहुत सिंपल होता है, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस्ट टू एक्स ये एज इट इज लेना है, इन ब्रैकेट फंक्शन मल्टीप्लाई करना है प्लस, फिर से देख लेते हैं, ई रेस्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू एक्स इन ब्रैकेट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डीएक्स, सो व्हिच इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसीडर कर लो और ये फंक्शन मल्टीप्लाई करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस अल्टीमेट कांस्टेंट सी। इसके ऊपर एग्जांपल आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, एग्जांपल नंबर 40। सो नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट टू एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये इस प्रकार है। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यार इंटीग्रेशन ऑफ ये ई रेस्ट टू एक्स एज इट इज रख लेते हैं, यार एक्स माइनस 1 को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स के लिए भी डिवाइड एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 के लिए भी डिवाइड एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये इस प्रकार। अब देखो यार ये वाला x और इसमें से एक x कैंसिल होगा सो बचेगा इस प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट x इन ब्रैकेट 1 बाय मतलब ये x कैंसिल हुआ है तो ऊपर बचेगा 1 या सिंगल x कैंसिल हुआ है तो नीचे बचेगा x माइनस ये 1 बाय x स्क्वायर dx। अब देखो ये वाला फार्मूला अगर आपने अच्छे से देखा तो ये फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये देखो ये 1 बाय x का फंक्शन, अगर हम लोगों ने देखा d by dx of 1 by x, so derivative of 1 by x आता है minus 1 by x square, मतलब ये function हुआ और ये function का derivative minus 1 by x square, तो हम लोग इसको directly ऐसे लिख सकते हैं, ये exponential function e raised to x, जैसे ये e raised to x directly लिया है, multiply by, उसके लिए multiply ये function दिखाई दे रहा है, that is ये multiply function, उसी प्रकार ये e raised to x डायरेक्टली ले लिया मल्टीप्लाई बाय ये फंक्शन मींस 1 बाय x और प्लस इंटीग्रेशन लेने के बाद प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e raised to x into 1 दैट इज द e raised to x होल डिवाइड बाय x प्लस c, ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन।